मैक्सिमम एवरेज नहीं जाएगा लेकिन मैक्सिमम प्रोटेक्ट होगा, अपनी जगह पे प्रोटेक्ट रहेगा लेकिन मिनिमम एवरेज पे पहुंच जाएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, मनक्कम, नमस्कारम। हमारे चैनल सोर्जस फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ओआरओपी के ऊपर इतने दिनों से कोर्ट में बहस चल रही और बहस अंत होने का नाम ही नहीं ले रही। ये गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट होते 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 9 महीने हो गए और दिसंबर तक का डेट पड़ गया और दिसंबर में आखिर खुशखबरी आ जाए, सब लोगों को यही उम्मीद है और आना भी चाहिए। 9 महीने हो गए, भले सरकार एरियर दे न दे लेकिन खुशखबरी आना चाहिए, वहाँ से फाइनल हो जाना चाहिए, कैबिनेट अप्रूवल हो जाना चाहिए, क्योंकि हर पेंशनर्स, हर जवान अंदर यही भावना हो रही कि सरकार रोके खड़ी है, सरकार रोक रही है, क्यों रोक रही है ये कोई नहीं देख रहा। क्या उसके पास बजट है देने के लिए, क्या वो देगी नहीं देगी या चुनाव तक ले जाएगी, तो आइए देखते हैं इसमें एरियर्स ओआरओपी 1 में और ओआरओपी 2 में एरियर्स में कितना डिफरेंट होगा। इससे पहले आप नए हैं हमारे चैनल पर, अगर नए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लेके आता रहूं। आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं कि ओआरओपी 2 1 जुलाई 2019 से जो शुरू होगा वो ओआरओपी 2 होगा, यानी कि हर 5 साल बाद जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो रिविजन होगा वही ओआरओपी 2 कहा जा रहा है। ओआरओपी 2 उन्हें मिलेगा जो ओआरओपी 1 लेते आ रहे हैं, उन्हें ओआरओपी 2 अवश्य मिलेगा। पर्सनल हो गए डिस्चार्ज फ्रॉम देयर रिक्वेस्ट, उनको नहीं मिलेगा। जो पेंशनर 2015 के बाद ऑन रिक्वेस्ट पे आए हुए हैं उन्हें ओआरओपी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वहीं मिनिमम 15 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए। ये भी डिसेबिलिटी और फैमिली पेंशन दोनों लोगों को ओआरओपी 2 का फ़ायदा मिलेगा। मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं तो उन्हें भी ओआरओपी 2 का फ़ायदा मिलेगा। और पेंशनर जो एक्स ग्रेटिया पेमेंट ले रहे हैं उन्हें ओआरओपी 2 का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है जिन्हें ओआरओपी मिलेगा, जिनको ओआरओपी 2 नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं एक और पॉइंट, आखिर में ओआरओपी 2 किसे मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो प्री ओआरओपी 1 किन्हें मिल रहा है, जो प्री 2016 से पहले के रिटायर्ड हैं उन्हें ओआरओपी 1 मिल रहा है। इनको भी मिलेगा जो पोस्ट 2016 के बाद के रिटायर हैं, ओआरओपी 1 उनको मिल, ओआरओपी 1 जो ले रहे हैं उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। और वहीं पे ओआरओपी 2 उनको भी मिलेगा जो 2016 के बाद के रिटायर हैं। वहीं एरियर्स में इनवे डिफरेंट आ जाएगा, जो 2016 से पहले के रिटायर हैं उनका एरियर्स लगभग पर मंथ 250 से 3500 पर मंथ के हिसाब से उनकी बढ़ोतरी होगी। और वहीं ओआरओपी 2 जो पोस्ट 2016 के बाद के रिटायर हैं उनके एरियर्स के अंदर कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी, 100 से 1000 के बीच हो सकती है कोई बढ़ोतरी, अन्यथा वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया जाएगा, जिसमें जो मिनिमम होगा वो एवरेज तक जाएगा और एवरेज मैक्सिमम एवरेज नहीं जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्रोटेक्ट होगा, अपनी जगह पे प्रोटेक्ट रहेगा लेकिन मिनिमम एवरेज पे पहुंच जाएगा, लेकिन एवरेज से ऊपर नहीं जाएगा। मिनिमम वही क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स होनी चाहिए और डिसेबिलिटी, फैमिली पेंशन और मेडिकल बोर्ड आउट सबको ओआरओपी 2 का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ओआरओपी 2 का फ़ायदा मिलेगा। ये कन्फर्म मान के चलिए कि प्री 2016 की जो रिटायरी हैं उन्हें एरियर्स ज़्यादा मिलेंगे और वहीं पे पोस्ट 2016 की जो रिटायरी हैं उन्हें एरियर्स कम मिलेगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ओआरओपी 1 के अनुसार ये जो पहले के रिटायर हैं ये ओआरओपी 1 के अनुसार पेंशन और उसी में वो ओआरओपी 1 के अनुसार जो 555 जो सर्कुलर है उसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंट आएगा और आ भी रहा। लेकिन वहीं पे ओआरओपी 2 जो पोस्ट 2016 के जो जिनको ओआरओपी 2 मिलेगा इनको
एरियर्स कम मिलेगा क्योंकि ये सेवेंथ पे कमीशन न्यू पे कमीशन के साथ रिटायर आए हुए हैं, इस बेसिस पे आए हुए हैं। इनको एवरेज, मिनिमम और एवरेज का ही इन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से जानकारी थी दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।